ना सभी भाई जो अरमान भाई गारंटी लेते हैं वीडियो वायरल करने की, तो वायरल होगी हर वीडियो, तो बने रहिए अपने न्यूज़ चैनल पे। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, तो मैं आपको मेरी यूट्यूब वीडियो कैसे वायरल हुई है तो मैं बताने वाला हूँ, और आपको भी बताऊँगा आप कैसे वायरल कर सकते हो। तो मैं YT स्टूडियो ओपन करता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर भी देख लो कितने बड़े हैं इस यूट्यूब वीडियो से। देखो 207 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और देखो ये टॉप पे रैंक कर रही है, रैंक 2 पे आ गई है। तो मैं चला के बताता हूँ आपको, देखिए देखिएगा इस कैसे जा रही है, मैं एक बार रिफ्रेश करके बताता हूँ। देखिए गाइस, तो कुछ ऐसे भी आप वीडियो वायरल कर सकते हो। तो कुछ नहीं, आप अपने होम स्क्रीन पे आ जाओ। होम स्क्रीन पे आने के बाद YouTube ओपन करना। जैसे YouTube ओपन हुए तो मैं एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ। YouTube ओपन हुए और आपको अपलोड है शॉर्ट से वीडियो को अपलोड करना है, चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो या चाहे शॉर्ट वीडियो। कभी भी शॉर्ट क्रिएट ए शॉर्ट में अपलोड नहीं करना है, हमेशा अपलोड है लॉन्ग वीडियो में करना है, अपलोड है वीडियो में सॉरी। तो गाइस जैसा कि मैंने अपलोड है वीडियो चूज़ कर ली है, तो मैं टॉप वाली वीडियो ले लेता हूँ। कुछ भी नया नहीं लगाना है, तो मैं यहाँ पर हिंदी में नाम लिख देता हूँ, जैसे कि टैग सॉरी लास्ट तक जरूर देखें। हाँ गाइस, तो ऐसे बहुत से लोग सोचेंगे जिनके पास ये वीडियो जाएगी कि गाइस ये क्या मांग रहा है, देखते हैं लास्ट तक, तो वो ऐसे क्लिक करके देखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ लास्ट तक जरूर देखें। मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं फास्ट में मोड में कर देता हूँ, फास्ट मोड में। ओके गाइस, तो मैंने लास्ट तक जरूर देखे ये लिख दिया है, तो मैं अब इंग्लिश में कर देता हूँ और कुछ मतलब अच्छा सा इमोजी लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ, ये जो दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, और हैशटैग लगाता है मेन, हैशटैग शॉर्ट्स लगाना है पहले, फिर हैशटैग शॉर्ट, फिर एक बार हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट, फिर एक बार एक और हैशटैग YT शॉर्ट, और एक बार हैशटैग में ऐसे ही वायरल लगा देता हूँ। चलो तो ये मेरा हो चुकी है, तो हमेशा अनलिस्टेड पे रखना है गाइस, और कमेंट को अलाउ ऑल कमेंट रखना है, रख लेना वरना डिस कमेंट रख लेना। तो मैं ऐसे रख देता हूँ, तो अपलोड है वीडियो पर स्टार्ट, तो मेरी अपलोड हो रही है। देखो वो वायरल हुई थी जो वीडियो, ये रही देखो गाइस, रिफ्रेश करते ही देखना। तो गाइस देखो गाइस, रिफ्रेश करते ही होंगे अभी ये वीडियो अपलोड हो रही है, इसलिए रुक गए हैं। तो गाइस आप भी ऐसे कर सकते हो, देखो गाइस 817 हो गए मेरे, तो गाइस आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो मेरी पूरी वीडियो में बने रहो, मैं आपको बताता हूँ गाइस। तो मेरी ये जैसे अपलोड हो रही है वीडियो, तो अपलोड होने दो गाइस, तो पूरा प्रोसेसिंग हो चुका है, मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ एक मिनट तक। तो गाइस देखो मैं नीचे की वीडियो भी बढ़ रही है, तो गाइस मैं रिफ्रेश करता जा रहा हूँ, एक मिनट तक करूँगा मैं गाइस, जिससे कि मेरे को पता चल जाए कॉपीराइट आए तो, और ना आए तो भी पता चल जाए। तो मैं एक मिनट तक फटाफट रिफ्रेश करता हूँ, जब तक कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो वीडियो को, और इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 1000 लाइक। तो मेरे को आशा है आप ज़रूर पूरा करवा दोगे, तो गाइस करवा दो 1000 नहीं तो 500 लाइक करवा दो। तो गाइस मेरी अपलोड हो चुकी है, एक मिनट हो चुका है, अब अपन चलते हैं YT स्टूडियो में। YT स्टूडियो में आया सब आ गए हैं अपन, तो मैं एक बार इसको देखो गाइस 1.1 हो गया, तो मैं वो वीडियो ले लेता हूँ जहाँ से अपन को वायरल करवाना है, जो वीडियो कंटेंट पे आके शॉर्ट पे आके कंटेंट पे आके शॉर्ट पे आके। तो गाइस एडिट पे जाना है इसे पेंसिल वाले आइकन को, फिर ये जो थंबनेल है अपना टाइटल, इसको कॉपी कर लेना है गाइस। तो कॉपी करके मैं डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो लिखना है वो देखो गाइस, हैशटैग लगा के जो ये ऊपर हैशटैग लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो अपने टाइटल में हैशटैग डाले वो पहले डालने। तो हैशटैग शॉर्ट है पहले टाइटल में, तो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट्स, तो इसके नीचे आके तो वापस हैशटैग लगा के, और हैशटैग शॉर्ट लिखना है,
हैशटैग शॉर्ट लिख लिया वापस नीचे करके, फिर वापस अपने को लिखना है यूट्यूब शॉर्ट्स, तो यूट्यूब शॉर्ट लिख लिया वापस नीचे करके, अपने को वाईटी शॉर्ट लिखना है वाईटी शॉर्ट्स, तो ये लिख लिया। फिर एक बार एक और वायरल लिख देता हूँ मैं, ऐसे ही वायरल हो। अब जो हैशटैग लिख रहा हूँ वैसे ध्यान से देखना, लिखते हैं हैशटैग अपन, मतलब जो इस पर है लव लिख देता हूँ मैं, एक लव लिख दिया वापस नीचे करके ऐसे करके, स्मार्ट लिख देता हूँ स्मार्ट लिख के, फिर वापस हैशटैग लगा के ट्रेंडिंग लिख देता हूँ ट्रेंडिंग लगा के, फिर मैं वापस हैशटैग लगा के यूट्यूब लिख देता हूँ यूट्यूब लगा के, फिर एक दोबारे से फनी लिख देता हूँ थोड़ा फनी टाइप में, तो एक बार सॉन्ग्स लिख देता हूँ, तो हो गया गाइस मेरे हैशटैग। आप इसको देख के स्क्रीनशॉट खींच के आप लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थैंक यू, वाह, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थैंक्स फॉर थैंक यू, हाँ सॉरी थैंक यू फॉर वाच माई फुल्ली शॉर्ट्स वीडियो थैंक्स, तो मैंने लिख दिया है। फिर एक दो इमोजी लगा देता हूँ मैं, एक तो ये दो इमोजी लगा दिया, बस यहाँ का काम हो गया है, ये मैंने तुमने लगा दिया है यहाँ पर सब एक सा ही ऐसा ही रखना है। देखो गाइस इसको नो पे रखना है, इसको अनलिस्टेड पे रखना है, और टैग में अभी कुछ नहीं डालना है, तो मैं टैग पे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, मेरी ये सेव हो चुकी है गाइस। जब तक अपन वो दूसरी वीडियो देख लेते हैं जो वायरल हो रही है, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए गाइस रिफ्रेश होते ही कैसे व्यू आते हैं, तो देखो 1K हो चुके हैं गाइस, 1K हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर जाके कंटेंट सॉरी डैशबोर्ड पे जाके एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर भी देखना गाइस, सब्सक्राइबर 214 हो चुके हैं, पहले एक सॉरी पहले रैंक पे जा रही है गाइस, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ VidIQ ऐप में, तो आपके पास VidIQ नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से प्ले स्टोर पे, तो VidIQ पे जाके लॉगिन कर लेना है आपको आईडी, फिर ऐसे आ जाएगा, तो ये तीन टाइटल दिखते अपन को, मैं आप सेव करते हो तो सेव कर लेना, वरना फिर ऐसे डिसमिस कर देना। तो मैं मेरी वीडियो आ चुकी है यहाँ पर, इस पर क्लिक करके जो ये आ रहे हैं नीचे, ये टैग्स रिकमेंडेड कीवर्ड्स, तो इन दोनों को मैं लगा देता हूँ मैं अपनी वीडियो में, इनका नाम है टैग्स, तो ये टैग्स के अंदर लग जाएंगे। फिर मैं यहाँ पर रिफ्रेश का इसको रिफ्रेश करके मैं लगा देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। सो गाइस मैंने इतने टैग लगा लिए हैं, एक दो ये भी लगा लेता हूँ, ओके गाइस, तो मेरे 500 टैग पूरे हो चुके हैं। फिर ये जो लिखा हुआ है ना लास्ट में नीचे, देखो ये मैं जो क्लिक कर रहा हूँ अभी, तो इस पर आपको क्लिक करना है पब्लिश चेंजेस टू योर वीडियोस, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप फिर फर्स्ट में क्लिक करोगे तो कोड मांगेगा, तो कोड आपको SMS के थ्रू आ जाएगा, OTP, तो वहाँ पर लिख देना है, फिर ये आपको पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर ये मेरे पेस्ट हो चुका है गाइस, तो मैं बैक हो जाता हूँ यहाँ पर, तो एक दो बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश कर दिया है मैंने, तो ये मेरी समझ लो इसमें टैग लग गए हैं। तो अब मैं वापस आता हूँ IT स्टूडियो में, तो मेरी इस वीडियो को देखते हैं अपन एक बार, मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश मार देता हूँ गाइस, ओके, तो मेरी वो वीडियो देखते हैं गाइस वो कहाँ पर है अभी, तो ये रही वो वीडियो। तो अब इसको दबा के अपन पेंसिल वगैरह आइकन को क्लिक करके टैग्स में जाना है, तो देखो गाइस ये मेरे सारे टैग यहाँ पर लग गए हैं जो अभी मैंने VidIQ ऐप से लगाए हैं। और मैं यहाँ पर ये कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो मैं करता हूँ एंटरटेनमेंट, तो ये एंटरटेनमेंट से वीडियो है, तो मैं शो हो मैनी व्यूज़ लाइक दिस वीडियो, तो मैंने यहाँ पर लाइक दिखाना बंद कर दिया, तो ये करके मैं सेव करता हूँ, ये सेव हो गई है।
और ये करके अनलिस्टेड पे नहीं अब प्रीमियर पे करके प्री सेट प्रीमियर पे करके आपकी जो डेट है आज की विश पे सिलेक्ट कर देना है। आप जिस डेट पे डालना चाहते हैं विश पे सिलेक्ट कर देना। तो मैं फिक्स 12:01 पे कर देता हूँ। तो ये मेरी सेट हो गई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, वीडियो कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना।